గోష్రమహల్లో బీఆర్ఎస్ ను గెలిపిస్తే మోడల్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతామని బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నందకిషోర్ వ్యాస్ బిలాల్ హామీ ఇచ్చారు। గోష్రమహల్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నందకిషోర్ వ్యాస్ బిలాల్ బేగం బజార్ పార్టీ కార్యాలయంలో సర్వమత ప్రార్థనలు చేసిన అనంతరం పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలతో కలిసి భారీ ర్యాలీగా అబిట్స్ లోని జిహెచ్ఎంసి కార్యాలయంలో ఆర్ఓ క్యాంప్ కార్యాలయానికి చేరుకుని ఇన్ఛార్జిలు మోతే శోభన్ రెడ్డి జగన్ రావు వహీదులతో కలిసి అభ్యర్థి నందకిషోర్ వ్యాస్ బిలాల్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు। అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న బీజేపీ అభ్యర్థి రాజా సింగ్ ను ఓడించి అవినీతికి అవకాశం లేకుండా అభివృద్ధి ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని ధీమాను వ్యక్తం చేశారు। गोशामल विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैंने अपना नामांकन पत्र भरा। सभी मेरे बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता का सपोर्ट, उनका साथ, उनका आशीर्वाद, भाई शोभन रेड्डी जी, जगनमोहन राव, आरवी महेंद्र भाई, हमारे स्टार ब्रदर्स ममता गुप्ता, परमेश्वरी सिंह, हमारे आनंद राउड साहब, पूजा बिलाल, आनंद सिंह यहाँ मौजूद सभी, हमारे वहीम साहब, वहीद साहब, अखिल भाई, सभी मेरे साथियों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। जिन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, धन्यवाद। और मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का धन्यवाद देता हूँ, केटी रामाराव जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास कर जो जिम्मेदारी थी मैं बराबर से निभाऊंगा। सभी पार्टी के नेताओं के सपोर्ट की जरूरत है, आप सभी का साथ होगा, जनता का सपोर्ट होगा, आज जनता का भारी सपोर्ट हमें मिल रहा है। हम आने वाले दिनों में गोशामल विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जरूर जीतेंगे। मैं जनता से विनती करना चाहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 26 साल जनता में दिए, निस्वार्थ दिए, कभी कोई आस नहीं रखी, अपना सुख चैन छोड़कर मैंने जनता को अपना टाइम दिया, हर सुख में दुख में उनके साथ मैं ठहरा। अभी जनता से विनती करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, आपका वोट कार के निशान पर डालकर मुझे विजयी बनाए। मैं आने वाले दिनों में गोशामल विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल असेंबली बनाऊंगा, करप्शन फ्री, गुंडागर्दी फ्री असेंबली सेगमेंट बनाने का जो मेरा सपना है उसे पूरा करूंगा। एक मौका दे, सबको चांस दिए, दो बार कांग्रेस को मुकेश गौड़ को चांस दिए, दो बार बीजेपी से राजा सिंह को चांस दिए, अब इस बार बीआरएस के तौर पर मुझे मौका दे एवं डबल इंजन की सरकार गोशामल में आनी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है और फिर हमारी सरकार ही आने वाली है, उस गोशामल का विकास चाहिए जनता को, तो जरूर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को जिताए। सरकार भी हमारी होगी, गोशामल भी हमारा होगा और सारे के सारे गोशामल को एक मॉडल असेंबली बनाएंगे। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय श्री कृष्णा, जय केसीआर, जय केटीआर। ऑब्वियसली मा पोटी बीजेपी तोने उंटाई, ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మైదానంలో వచ్చినాం, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, తప్పకుండా మేము గెలుస్తాం।